हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको कुछ नया दिखाने वाले हैं, कुछ हटके दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो पसंद आई या वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर डालना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप वीडियो देख लेंगे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको गले में जो पट्टी लगी होती है ना, जैसे हमारी देखिए ये पट्टी इस गले में लगी हुई आई थी, लेकिन इसकी कटिंग करते वक्त मैंने ये पट्टी निकाल दी है, क्योंकि ऐसी जरूरत हमें ज़रूर पड़ती है, क्योंकि गले में पट्टी लगती है तो उसकी अच्छे से सेटिंग नहीं बनती। जैसे हम कपड़े को फोल्ड करके कटिंग करते हैं ना, तो हमारे ये इसमें बटन लगे हुए हैं, बटन लगे हुए होते तो हमें ये दिक्कत करते हैं सूट की कटिंग करते वक्त। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आज की वीडियो में मैं ये बताऊँगी कि हम ये पट्टी लगाकर गला कैसे बनाते हैं, सूट पर कैसे अटैच करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बड़ी पट्टी, तो हम बड़ी पट्टी तो इसमें लगा नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे पहले सूट को ऐसे खोल लूँगी, और यहाँ पर देखिए ये हमारा बीच का निशान बना हुआ है, जो हमारे हमने ये सूट कटिंग की थी ना, तो तब हमने इस पर प्रेस की थी, तो प्रेस करते वक्त ये हमारी जो क्रीज बन जाती है, तो हमारा ये बीच का निशान बन जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ऐसे निशान लगाकर बता दूँगी निशान, अभी ये पट्टी इस पर स्टिच करके बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, जो हमने ये पट्टी रखनी है ना, मैं आपको बता देती हूँ हमने ये पट्टी कितनी रखनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये पट्टी रखनी है 8.5 इंच की, तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पर ऐसे निशान लगा देंगे। तो हम यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे 8.5 इंच पर। तो फ्रेंड्स, जो हमारा गला है ना, तो देखिए जो हम गला बनाएंगे, ये हमने गला बना लिया है, ये हमने बुकरम पर अटैच किया हुआ है ये गला। तो हम इस गले को ऐसे रखकर देखेंगे कि ये गला हमारा कहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पर हम ये गला आ रहा है हमारा यहाँ तक, देखिए यहाँ तक हमारा ये गला आ रहा है। तो यहाँ से हमने ये पट्टी ऐसे रखनी है, तो यहाँ तक हम, और ये निशान हमारा जो हम पट्टी वाला निशान और निशान इसके ऊपर हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ये पिन लेंगे, तो पिन इस पर हम ऐसे लगा देंगे जिससे हमारी ये पट्टी सरकेगी नहीं। फ्रेंड्स, पहले हम इस पर गला बना दें, बाद में पट्टी लगा दें तो हमारा गला बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, उसकी लुक अच्छी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, हमारा ये फार्मूला है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें ये करना है कि पहले हम पट्टी लगाएंगे फिर गला बनाएंगे। पट्टी हम कैसे अटैच करेंगे, मैंने इस पर निशान लगा दिया था, तो हमने यहाँ पर ये पट्टी इस तरह ऐसे रख ली थी। तो फ्रेंड्स, अब हम इस पर ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसमें पट्टी ऐसे लगा दी है। तो फ्रेंड्स, अब हम ये गला लेंगे, गले को ऐसे फोल्ड कर इसके बीच में हम ऐसे कट लगा देंगे। ये हमने ऐसे कट लगा दिया है, और गला हमने जहाँ से बुकरम दिखाई दे रही है ना, उस साइड ऐसे रखना, और इसके बीच में इस तरह ऐसे रख लेना, देखिए इस तरह। और यहाँ पर हम इसमें ये पिन वापस से लगा लेंगे, जिससे हमारा इसका सेंटर पॉइंट बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब हमने करना क्या है कि यहाँ से हम इसको एक बार हल्का सा टाका लगा लेंगे, देखिए इस तरह। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा तरीका है गला ऐसे लगाने में, छोटा हमने टाका लगा लिया, जिससे हमें ये छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल हमारा परफेक्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इधर से गला स्टिच करेंगे, तो वहाँ पर हमने बिल्कुल बुकरम के पास पास से ऐसे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे सिलाई लगा दी है। अब हमने देखिए हमने बिल्कुल सिलाई लगा दी, और बुकरम के हमने आधा आधा इंच छोड़कर ऐसे कटिंग करनी है, नहीं तो हमारी सिलाई करने का डर रहता है। तो देखिए हमने गला कट कर दिया, अब हमें छोटे छोटे इसमें नोटिस लगाने होंगे, जिससे हमारा गला अच्छी शेप में कटिंग होगी, गला अच्छे से बैठ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम गले को ऐसे सीधा कर देंगे, और इसमें हम बड़ी सिलाई यानी जो बड़ी सिलाई करकर सिलाई लगा देंगे।
ये फाइनली हमारा जो गला है बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी लगी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत ही प्यारी सी पट्टी बनकर तैयार हो गई है। तो बहुत सी प्यारा सा फिनिशिंग से हमारी पट्टी बनी है। देखिए बिल्कुल भी हमारी कहीं भी पट्टी इसमें पीछे से नज़र नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स, अगर हम पहले गला बनाते और बाद में पट्टी लगाते तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और देखने में भी सुंदर नहीं लगती। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से जो हमारे आजकल सभी सूटों में इस तरह के ऐसे पट्टी बनी बनाई आती। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि अलग से हमारी पट्टी सूट पर स्टिच हुई आती है। तो पहले पहले उसकी पट्टी अलग से निकाल लेना, बाद में उस पट्टी को सूट कटिंग करते वक्त निकाल लेना। बाद में इसी तरह से पट्टी अटैच करके गला बना सकते हैं। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ऐसा हमारा गला बनता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये आइडिया कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कैसा हमारा ये तरीका लगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब कर हमारे साथ में बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी जो हमारे नेक्स्ट वीडियो डालते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।